अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हावर्स मीटर के बारे में। तो इस मीटर को इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कोई ऐसी डिवाइस रन करवा रहे हैं जिसमें आपको ये काउंट करना है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे तक ऑन रही है, तो आप इस मीटर को उस डिवाइस के इनपुट पर लगा सकते हैं। तो ये मीटर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के दरमियान आप इसको ईजिली किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो जनरेटर में किया जाता है। बाद अवत ऐसे जनरेटर होते हैं जिनमें हावर्स मीटर ख़राब हो जाते हैं और उनमें हम एक्सटर्नल मीटर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक जनरेटर पर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ जी। तो कुछ ऐसे जनरेटर भी होते हैं जिनके पैनल के अंदर इस तरह के मीटर इनबिल्ट लगे होते हैं और आप इनको ईजिली पैनल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पैनल होते हैं जहाँ पर आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते, जो कि डिजिटल होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो कुछ जनरेटर में डिजिटल टाइप मॉड्यूल लगे होते हैं, तो यहाँ पे अगर एक फीचर ना काम करे तो हम कम्प्लीटली मॉड्यूल चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे अगर हाउस मीटर काम नहीं कर रहा तो उसको हम एक्सटर्नल मीटर के तौर पे लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बैक साइड पे ये दो पॉइंट है जहाँ पे आप 220 वोल्ट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों वायर्स को इसके साथ अटैच करता हूं। जी तो मैंने इसको 220 वोल्ट प्रोवाइड किया है। तो यहां पे आप देखें इसके अंदर जो सर्कल है वो रोटेशन कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी रीडिंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और यहां पे जब 99 आ जाएगा, ये जो येलो कलर के वर्ड्स टाइप किए हुए हैं, तो उसके बाद वहां से एक घंटा जो है वो ऊपर हो जाएगा। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसकी वायर्स को, तो यहाँ से आपने सिंपल इस शीट को उतार लेना है। शीट को उतारने के बाद यहां से आपने इजीली इसको रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आप इसकी बैक साइड पे देखें, अगर आपकी रीडिंग काफी ज्यादा हो जाती है और आप इसको 0-0 पे करना चाहते हैं तो आप इस स्लॉट को उतार दीजिए, यहां से आप साइड पे निकाल दें और निकालने के बाद या ऊपर उठा के इसको निकाल लें और यहां से आप जो है इजिली इसको 0-0 पे सेट करके दोबारा इसको यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 220 वोल्ट पे काम करता है और ये दो इसके 220 वोल्ट के पॉइंट हैं, दरमियान में एक फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे एक कॉयल है। कॉयल क्या करती है, कॉयल मैग्नेट बनाती है और यहाँ पे इसकी एक बहुत ही स्मॉल सी छोटी सी मोटर लगी हुई है और वो मोटर इसको रोटेट करवाती है। और ये जो है ये इसके साथ अटैच होता है, इस गरारी के साथ, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इस सर्कल में घूमता है। तो इसी तरह आपके जो हावर्स हैं वो काउंट होते रहते हैं। तो चलिए मैं इसको भी आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां से मैं इसको बाहर की तरफ निकाल लेता हूं और यहां पे आप देखें कि इसमें एक कॉयल है जो कि मैग्नेट बनाती है और यहां पे एक बारीक सी सिंपल सी एक मोटर टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, तो जो कि इस सर्कल को घुमाती है और रोटेशन करवाती है इसकी, और इसके साथ ये जो गरारी है ये अटैच होती है। जब ये घूमती है तो ये गरारी को रोटेट करवाती है और उसके साथ साथ यहाँ से आपकी जो काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो यही था एक सिंपल सा ओवरव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।